बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी गैंग ऑफ बेसपुर। तो भाइयों क्या आप जानते हो कि ये गैंग ऑफ बेसपुर किन पर बनी थी? वे क्षत्रिय सिंहों पर बनी थी। तो भाइयों भारत का जो सबसे बड़ा कोयला व्यापार है वो झारखंड में होता है, झारखंड के धनबाद में, और उस धनबाद में हमेशा से सिंहों का कब्जा रहा है, जिसमें सिंह मैशन और रघुकुल ग्रुप दो ग्रुप हैं। इन दोनों की आपसी लड़ाई होती रही है और उसी पर गैंग ऑफ बेसपुर फिल्म बनी थी। तो भाइयों इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम उभर कर आता है वो ठाकुर साहब या बाबू साहब सूर्य देव सिंह। तो भाइयों वो चार बार जहाँ से विधायक रहे, ओरिजिनली वो उत्तर प्रदेश बाहुबली क्षत्रियों की धरती बलिया से थे। तो भाइयों बलिया से वो झारखंड गए थे और झारखंड में उन्होंने इतना नाम कमाया, इतने पैसे कमाए, अपने साथ उत्तर प्रदेश और बिहार तक के बहुत सारे लोगों को झारखंड ले गए। तो भाइयों सूर्यदेव सिंह की वजह से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय जो करोड़पति बन गए थे और वहाँ से चार बार विधायक बनते रहे, और वहाँ पर बहुत सारी लाशें भी बिछी, लाशें भी आपस में क्षत्रियों की बिछती रही है, रघुकुल ग्रुप और सिंह मैशन ग्रुप, और इसी ग्रुप के बीच ये फिल्म बनी है। अभी भी सिंह मैशन ग्रुप चल रहा है, लेकिन सूर्यदेव सिंह का जो परिवार है आज भी करोड़पति अरबपति परिवार है और बाहुबली ठाकुर कहलाते हैं, वहाँ के क्षत्रियों